नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप लोग जो भी कोई फॉर्म भरते हैं, या अगर आपको कभी ऐसा होता है कि कोई कोई फॉर्म में कोई कोई जो भी हम लोग फॉर्म भरते हैं तो दिक्कत क्या आता है कि उसमें लिखा जाता है कि जिस दिन का आपका ये फ़ोटो है, करेंट फ़ोटो, उस फ़ोटो पर आप अपना नाम लिखिए, फ़ोटो पर नाम और डेट ऑफ फ़ोटो लिखिए। तो आज हम लोग इस टॉपिक पर कवर कर रहे हैं, इस टॉपिक का वीडियो बता रहे हैं आप लोग को कि हम अपने मोबाइल से कैसे अपने मोबाइल में अपना फ़ोटो पे जो डेट लिखना है, मतलब डेट ऑफ फ़ोटो, ठीक है, इसके बाद जो डेट पे मतलब आपको जो फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करना है, इसके बाद आपको जो नाम लिखेंगे, ठीक है, फ़ोटो पे जो नाम लिखेंगे, जो भी मेरा नाम है, तो वो हम कैसे अपने मोबाइल से लिख लेंगे एकदम आसानी से, वो आपको सिखाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि अक्सर होता क्या है दोस्तों कि अगर कोई भी फॉर्म भरते हैं उस पर लिखा होता है कि आप डेट ऑफ फ़ोटो लिखिए, डेट ऑफ फ़ोटो पर नाम लिखिए, तो आप नहीं कर पाते किसी भी रीजन से। तो आज मैं ये भी आपको बता रहा हूँ, ऊपर से आपको ये भी दिमाग हो जाएगा, ये भी ट्रेनिंग में आ जाएगा कि मतलब अगर आपको कोई फ़ोटो है और उसका बैकग्राउंड चेंज करना है, ठीक है, तो आप कैसे अपने फ़ोन से बैकग्राउंड भी चेंज कर लेंगे। दोस्तों बहुत सिंपल है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक जो है आपको प्ले स्टोर पर ले जाऊँगा, और प्ले स्टोर से भी दोस्तों आप कर सकते हैं, या आप गूगल पे भी दोस्तों, जैसे कि अगर आपको गूगल चलाते हैं तो मेरे हिसाब से मैं आपको कहूँगा दोस्तों कि आप गूगल से डाउनलोड करिएगा PicArts, ठीक है, PicArts ऐड करके जो ये आपका आप आता है PicArts मोड APK, ये इस टाइप से जो एप्लीकेशन है, ये PicArts मोड APK, ये जो एप्लीकेशन है दोस्तों, ये आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, या PicArts ऐप जो है आप प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं। PicArts जो आप प्ले स्टोर से कीजिएगा दोस्तों, तो इसमें दिक्कत क्या आएगी दोस्तों, ये देखिए दोस्तों PicArts ऐप है यहाँ जो ये जिसमें अपडेट मांगा जा रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या आएगी दोस्तों, जो प्ले स्टोर से कीजिएगा ना आप अगर, तो प्ले स्टोर वाला एप्लीकेशन आसानी डाउनलोड हो जाएगा, वो क्रैक वर्जन होता है। तो क्या होगा, उस पर आपको एडिट करने मतलब कुछ भी ऐड वगैरह नहीं आएगा, ठीक है, अगर नेट से डाउनलोड कर पाते हैं गूगल क्रोम से, तो वहाँ से आपको जो डाउनलोड होगा तो वहाँ पे आपको आसानी से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बेनिफिट भी क्या होगा कि इसमें कोई ऐड वगैरह नहीं आएगा, मगर प्ले स्टोर से अगर आप करते हैं तो आपको कुछ ऐड चलेगा। मगर वैसे दोस्तों हम लोगों को काम करना है, तो क्या करना है, अभी काम करना है तो कर लेना है डाउनलोड, ठीक है, चाहे प्ले स्टोर से कीजिए, चाहे आप जो है गूगल क्रोम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो आप देख लीजिए जो आपको सही लगे उससे कर सकते हैं, ठीक है, चाहे प्ले स्टोर चाहे इससे। चलिए अब क्या करना दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना, जैसे PicArts ऐप आइएगा ना, तो आपको अपना फ़ोटो जो चुनना है वो आपको ऐड फोटो में जाके अपना एक फ़ोटो चुन लेना है, ठीक है, जो फ़ोटो पे आपको एडिट करना है, ठीक है, ऐड एडिट करके होगा ऐड फोटो, इस टाइप से आप अपना ऐड फोटो ऑप्शन में जाके सेलेक्ट कर लीजिएगा, चुन लीजिएगा। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है दोस्तों, अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो नीचे लिखा है रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है, मुझे क्या करना है, वाइट बैकग्राउंड करना है, तो मैं क्या कर दिया, वाइट बैकग्राउंड, ये देखिए पूरा वाइट हो गया ना दोस्तों, मैं मुझे रेड कलर करना था, मुझे ब्लू कलर करना था, जो भी, ठीक है, तो मैं कोई भी कलर कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, आसानी से मेरा फ़ोटो का जो बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। अब इसमें आप दोस्तों ज़्यादातर फॉर्म जो भरते हैं तो इसमें वाइट बैकग्राउंड ही मांगा जाता है, तो वाइट बैकग्राउंड मेरे लिए जो है ये बेस्ट है, तो मैं वाइट बैकग्राउंड को ही सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, ओके कर दिया, इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेते तो इससे क्या होगा कि फ़ोटो जो ना अच्छा जो है स्पेस में आ जाएगा, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, थोड़ा सा फोटो क्रॉप कर लिए तो अच्छा सा डिज़ाइन बन रहा है इसका। चलिए ये हो गया, इसको थोड़ा हम लोग सेव कर लेते हैं, सेव कर दिया, चलिए ठीक है। अब क्या करना दोस्तों, फोटो पे नाम लिखना है और आज का डेट भी लिखना है, ठीक है, जो डेट में बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नाम लिखने का सिखाता हूँ, टेक्स्ट ओपन करना है आपको, टेक्स्ट ओपन करने के बाद जैसे कि मेरा नाम शुभम कुमार है, SUBHAM शुभम KUMAR कुमार, ठीक है, ये लिख लिया आपने, इसको क्या कीजिए ओके कर दीजिए ऐसे, ठीक, इसको ओके करने का क्या करिए, यहाँ पे ले आए। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, मगर मुझे क्या चाहिए, छोटा में चाहिए, ताकि मेरा डेटा फोटो और मेरा जो शुभम कुमार एक साथ नाम है, एक लाइन में चला है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, कि जब भी हम करेंगे ना इसमें, तो इसके लिए तो हम लोग क्या करेंगे, ये नाम पर करना है, ठीक है, इसको सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसको सबसे पहले हम छोटा कर देंगे इस प्रकार से, मैं जैसे दिखा रहा हूँ दोस्तों, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे, देखिए ठीक है, ये थोड़ा सा इधर कम बेसी आप कीजिएगा ना इस प्रकार से, तो आपका नाम देखिए छोटा हो गया। अब देखिए क्या करना है, एकदम इसको थोड़ा सा जूम कर आउट कर लीजिए, जूम इस प्रकार से दोनों फिंगर लगा के आप कीजिएगा यूज, अच्छा से हो जाएगा, ये देखिए हो गया ना, ये आसानी से यहाँ फिट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा मैं और बड़ा कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो फोटो पासवर्ड आने वाला है तो इस पर पूरा फिट होकर आ जाए, ठीक है, पूरा का पूरा। ये देखिए ऊपर में शुभम कुमार मेरा नाम लिख दिया, अब मुझे इस पर डेट भी लिखना, तो मैं डेट भी लिख लूँगा, मगर आपको मैं सिखाऊँगा पहले। चलिए ये हो गया ना, इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है, ये शुभम कुमार हो गया, चलिए ठीक,
आप डेट ऑफ फोटो भी लिख सकते हैं, मगर मैं आपको पहले इसको क्या करता हूँ, इसको हाईलाइट पे क्लिक कीजिएगा, ये हाईलाइट है ठीक है। अब हाईलाइट पे क्लिक करने के बाद इसको नीचे ऐसे आप जो है अपना जो है स्पेस को इस प्रकार से कर सकते हैं ठीक, ये इस प्रकार से, ये आपका नाम ऐसे, अगर सिर्फ आपको नाम लिखना है तो इस प्रकार से हाईलाइट कर दीजिए, आपका नाम ऐड हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी कुछ नहीं। चलिए अब क्या करना है आपको, ये आपको डेट लिखना था ठीक ना, तो डेट लिखना मान लीजिए आज का डेट होगा, हो गया आपका 30 तारीख 5वां महीना या 31 तारीख 5वां, जो भी आपको डेट लिखना है दोस्तों, मैं आपको समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ ठीक है। ये कर दिया, सेव कर दिया ठीक है, ये देखिए डेट आ गया ना। अब डेट आ गया तो अब डेट जो है मुझे एडजस्ट करना है, डेट एडजस्ट करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, ये देखते रहिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो को जो मिस करेगा ना वो समझ नहीं पाएगा, और समझ नहीं पाएगा तो उन्हें लगेगा कि ये बंदा आया कुछ से कुछ बोल के चला गया और कुछ भी फिट हो नहीं रहा ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, ये देखिए ये हो गया ठीक है, ये आपका जो है नाम भी हो गया, ये भी हो गया, मगर देखिए दोस्तों ये जो है ना ठीक से मतलब लाइनिंग में नहीं आया, तो इसको क्या करते, एक रंग चाहिए हमको एक रंग, तो हम क्या करते हैं इसका सैप को चेंज कर देते हैं, जो सैप है ना जो मुझे एक लाइनिंग में दे, ऐसे समझिए ये सैप है इसका, ये सैप ले लिए, बॉक्स ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए आप इसमें इस प्रकार से, अगर बॉक्स नहीं तो लाइंस में भी आप आ सकते हैं, मैंने बॉक्स कर लिया ठीक है। ये देखिए बॉक्स ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया ना, ये नीचे वाला जो आपको ठीक लगे, इसमें से जो आपको डिजाइन ठीक लगे आप ऐसे कर सकते हैं, वैसे बॉक्स ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये कर दिया। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, ये देखिए इस प्रकार से एडजस्ट कर लिया, ये आपको एडजस्ट भी हो गया आसानी से, ये देखिए हो गया। अब इसको क्या करना, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया ना, तो थोड़ा सा नीचे से थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, ये इस प्रकार से छोटा कर दीजिए, ये मेरा सिग्नेचर हो गया, मतलब जो मेरा नाम करना था वो मैंने कर लिया, मेरा जो फ़ोटो था इस पर जो मैं आज का डेट था मैंने वो डेट भी चढ़ा दिया, तो आसानी से दोस्तों तो इस पर एकदम आसानी से हो गया। दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में नहीं आया हो, कहीं भी आपको दिक्कत हो, नहीं समझ में आया हो, तो आप आसानी से मुझे पूछ सकते हैं, और मैंने लिखने का पढ़ के बता दें, टेक्स्ट आपको सिंपल में क्या करना, जो आपको लिखना है ना पहले आप लिख लीजिए, जैसे मेरा मुझे लिखना था ना, मेरा क्या लिखना था देखिए, ये मैं फिर क्लिक कर दिखाता हूँ, मेरा लिखना था मेरा नाम मेरा डेट ऑफ फोटो ठीक है, शुभम कुमार मैंने नाम लिख दिया, डेट लिख दिया 30/5/2024, ये सब कुछ आप एक बार में लिख लीजिए, उसे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जो सेप्स ऑप्शन है ना, यहाँ हाईलाइट पे पहले क्लिक कर लीजिए, ये हाईलाइट पे क्लिक करके यहाँ पे आप पहले सेप्स में चले आइए कि किस सेप में आपको चाहिए ठीक है। ये देखिए सेप मुझे चरकुट वाला चाहिए, तो मैंने चरकुट ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, सेप ऑप्शन आ गए, बहुत आसान है। और यहाँ पे एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपको कलर चेंज करना है ना, ये इस प्रकार से क्लिक कीजिए, और यहाँ पे कलर ऑप्शन ये वाला कलर, इसमें आप पीला कलर के अंदर ला सकते हैं, ब्लू कलर कर सकते हैं, रेड कलर ला सकते हैं, जो भी आपको जी। वैसे दोस्तों फोटो पे जो होता है साइन, मतलब जो नाम लिखा रहता है, जो डेट ऑफ फोटो लिखा रहता है, वो रहता है वाइट बैकग्राउंड और ब्लैक पे टाइपिंग ठीक है, ब्लैक टाइपिंग पे, तो वो ज़्यादा अच्छा भी लगता है और क्लियर रहता है। तो आप जो भी फोटो करेंगे वो इस प्रकार से कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको फोटो का बैकग्राउंड चेंज करना होगा तो वो भी मैंने आपको बता ही दिया क्लियर भी, कि आप फोटो का बैकग्राउंड भी आसानी से जो जो ऑप्शन है यहाँ पे दिया हुआ है वो आप आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं इस प्रकार का जो भी वीडियो आपको बताता रहूँ, और कभी भी आप मेरे चैनल पर विजिट करें जो आपको परेशानी है वो आसानी से मिल जाए। और दोस्तों मेरे किसी भी वीडियो में अगर कोई परेशानी आपको हो रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कहीं नहीं बन पा रहा, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं जरूर इसका रिप्लाई दूंगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।